ظاہر ہے شال پہنانا انو جلوٹا صاحب کو ہی سب سے اچھی کہانی ہے. انہوں نے اتنے شال پہنے ہیں کہ اب وہ سمجھ گئے ہیں شال پہنا ہے کیسے جانا ہے. पुरस्कार चिन्ह जो विशेष रूप से जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से अलग ढंग से बनाया जाता है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही उपयुक्त वो पुरस्कार चिन्ह अब आपके सामने आएगा. उससे पूछा जा रहा है चेक का लिफाफा खोल कर दें कि बंद करके दें. मैंने कहा चेक का लिफाफा बंद रहने दो. नमस्कार. आज यहाँ पे उपस्थित सभी गुणीजन और गुरुजन को मेरा सादर प्रणाम. मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया और इस अवार्ड मेरे नृत्य क्षेत्र में मुझे और एक स्टेप आगे जाने की प्रेरणा देगी. थैंक यू एंड थैंक यू दशापा एंड उमापा अनु जी एंड ऑफकोर्स माई गुरु जी गुरु केलुचरण महापात्र एंड रतिकांत महापात्र. थैंक यू. रविंद्र जैन साहब ने अपने खास स्टाइल में गर्दन ऊंची करके कहा कि ओ गुरु कैसी रही. और वहां से जसपाल सिंह गीत गाता चल और फिर एक के बाद एक रचनाएं जो आपके सामने आती गई वो जसपाल जी आपके समक्ष है. मैं चाहूंगा कि शॉल तुलसी पौधा सम्मान पत्र पुरस्कार चिन्ह और पुरस्कार राशि बैग सहित यहाँ लाई जाए. अनूप जलोटा साहब शॉल पहनाएंगे. तुलसी का पौधा और सम्मान पत्र ये अनिल जलोटा साहब भेंट करेंगे. सम्मान पत्र भी लाया जाए. गायक ऐसा होता है देखिए कि पुरस्कार देने वाले चारों पकड़े हुए खड़े हैं, पुरस्कार लेने वाला हाथ ही नहीं लगा रहा. और अब पुरस्कार की राशि का चेक और मैं चाहूंगा कि श्रीमती दिव्या जैन जी ये चेक प्रदान करें जसपाल सिंह जी को. एग्जैक्टली ये अनूप जी की खासियत है कि वो जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो नए नए आर्टिस्ट हैं, उनको इतना बढ़ावा देते हैं, उतना सपोर्ट करते हैं कि म्यूज़िक हो, डांस हो कि इंस्ट्रूमेंटल हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, उनको प्रोजेक्ट करना, प्रमोशन करना, ये उनका जैसे धर्म बन गया है. और काफ़ी देखेंगे जो नए नए आर्टिस्ट हैं उनको अनूप जी प्रेजेंस या अनूप जी ने एक भजन या एक गज़ल गा के उनको सराहा है. तो उस तरह से अनूप जी ऑलवेज प्रमोट करते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. कई सालों से हो रहा है, 9th ईयर है और हम इसमें बड़े बड़े कलाकारों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है उन्हें हम सम्मानित करते हैं और साथ ही साथ नए कलाकारों को पेश करते हैं जो कल अपनी जगह बनाएंगे. आज करीब 10 नए अप एंड कमिंग सिंगर्स यहाँ पे गाना गा रहे हैं, अपना संगीत पेश कर रहे हैं. आज मुझे बहुत खुशी है कि रविंद्र जैन जी का जो अवार्ड है वो हम जसपाल सिंह को दे रहे हैं, क्योंकि जसपाल सिंह जी ने गीत गाता चल और मंगल भवन अमंगल हारी वो सब गाने गाए जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं. हमारे पिताजी के नाम का जो अवार्ड है वो हम पंडित शिव कुमार शर्मा जी को दे रहे हैं. मेरी पत्नी मेधा के नाम का अवार्ड हमने एक बहुत अच्छी उड़ीसी डांसर को दिया है जो बहुत प्रॉमिसिंग है. और पंडित हरिओम शरण जी का अवार्ड हम आशीष देसाई जी को दे रहे हैं. तो जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है वो कनेक्टेड लोग आज यहाँ सम्मानित हो रहे हैं, मुझे इसकी बड़ी खुशी है. वही नहीं होना चाहिए. जी जी मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हमने
रविंद्र जैन जी का अवार्ड हेमलता को दिया था, क्योंकि हेमलता जी ने रविंद्र जैन जी के बहुत से गाने गाए थे। आज हम जसपाल सिंह को दे रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को हम अवार्ड दें जो काम कर चुके हैं और उनके नाम को सोच के लोग आज इंस्पायर्ड होते हैं और अपना संगीत का सफर तय करते हैं। अब तक आपने स्टेज पे काफी परफॉर्मेंस देख ली हैं, आपने भी बैठ के ऑब्वियसली बातें जज तो किया ही होगा, कौन सा परफॉर्मेंस अब तक आपको बहुत अच्छा लगा? अभी तक मुझे अभी कीर्ति अनुराग गा रहे थे भजन, बहुत अच्छा गा रहे थे, मुझे बहुत पसंद आया। लास्ट टाइम हमने देखा था नए टैलेंट को काकोली जो को आप प्रमोट कर रहे हैं, आज यहां पे आप किस खास को प्रमोट कर रहे हैं? आज काकोली आज भी गा रही हैं और अभी जो कीर्ति अनुराग गा रहे थे बहुत अच्छा गा रहे थे। काकोली जी का अभी हमने एक एल्बम भी बनाया है गजलों का, वो भी रिलीज हुआ है। चलिए स्टेज पे। आशित देसाई साहब को ही पहनाना है। इसके बाद तुलसी पौधा और सम्मान पत्र, इसके बाद पुरस्कार चिन्ह। पुरस्कार की राशि 1,00,000 रुपए का चेक, जो सम्मान पत्र भेंट किया गया है वो मैं आप पढ़कर सुना देता हूं। जनोटा वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई द्वारा ग्लोरी अवार्ड 2017 के अंतर्गत